चिकन स्प्रिंग रोल मैंने सिर्फ 200 ग्राम चिकन के साथ में बनाया है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कम से कम 9 से 10 स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं और बहुत ही ज़्यादा यमी, टेस्टी और फुल ऑफ वेजिटेबल्स ऐसी ये स्प्रिंग रोल बनने वाली है। चलिए क्विकली बढ़ते हैं मेरे किचन की तरफ ताकि मैं आपको ये रेसिपी झटपट तरीके से सिखा सकूँ। तो दोस्तों, ये यमी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए पहले मैं उसका स्प्रिंग रोल के रोल्स जिससे बनेंगे वो शीट बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम्स ऑफ मैदा ऑल पर्पस फ्लावर। ठीक है, अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं जरा आधा टीस्पून नमक। ठीक है, और फिर मैं डालूंगी एक अंडा। ओके, बस ऐसे ब्रेक करके आप डाल दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते ही मुझे इसको एक डो जैसा प्रिपेयर कर देना है। ओके, थोड़ा थोड़ा पानी मुझे ऐड करना है और मुझे इसको एक, याद रखें कि आपको इसको एकदम नरम नहीं गूंदना है। ठीक है, थोड़ा सख्त ही गूंदना है। ठीक है, ऐसे जैसे थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करके डालेंगे, एकदम से डाल दिया तो आटा पतला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये आटा गूंद लिया है, रफली गूंदा है। देखिए एकदम सख्त है ये आटा, नरम बिल्कुल नहीं मैंने गूंदा है। अभी इतने आटे के लिए, मतलब 200 ग्राम आटे के लिए मैंने जस्ट आधा कप, चाय का कप होता है अपना छोटा सा, पानी यूज़ किया है और एक अंडा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये गरम किया हुआ तेल। ठीक है, अब मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, मैं इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में तेल डालूंगी। ठीक है, तुरंत ही मुझे गरम तेल में हाथ नहीं डालना है और भूनना नहीं है इसको, थोड़ा 2-3 मिनट रुक जाइए। ठीक है, फिर बाद में आप इसको गूंद लीजिए। तो दोस्तों, 2-3 मिनट बाद में मैंने इसको गूंदना चालू कर दिया है। ठीक है, मैंने ये गरम तेल इसलिए डाला है ताकि वो जो शीट है, बाद में जब हम इसको तले तो अच्छे स्प्रिंग रोल्स अच्छे क्रिस्पी बने। जो रोल का आउटर कवरिंग है वो अच्छा क्रिस्पी हो जाए, इसलिए हम लोग गरम तेल डालते हैं। नॉर्मली समोसा वगैरह भी बनाते हैं ना, तो उसका जो आउटर कवरिंग बनाते हैं उसका आटा, उसमें भी गरम तेल अगर आप डालेंगे तो अच्छा क्रिस्पी बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने गूंद लिया है इसे। ठीक है, अब मुझे इसको साइड में रखना है। ठीक है, अच्छे से कवर करके मैं इसको साइड में रखूंगी फॉर गुड 10 to 20 मिनट्स। ठीक है, फिर इसके हम स्प्रिंग रोल के शीट्स बनाने लेंगे। ओके, तो दोस्तों, हमारे स्प्रिंग रोल के फिलिंग के लिए मैंने रख दिया है ये पैन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये मेरे केतली के चम्मच से 2 चम्मच ऑयल। अब ये टेबल स्पून के हिसाब से है तो 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है ऑयल। ओके, ऑयल को अच्छे से गर्म कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स यूज़ करने वाली हूँ, जैसे मैंने स्प्रिंग अनियन का ऊपर का अनियन लिया है, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट। अब ये आधा कैबेज, पाव कैबेज है ये, एक पूरा कैबेज का पाव हिस्सा है। एक बड़ा कैरेट लिया है मैंने, मतलब गाजर, और एक जूड़ी जो कांदे की पत्ती होती है उसका आधा हिस्सा है ये, और एक मैंने शिमला मिर्ची ली है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ ये प्याज। ठीक है, सिर्फ जो प्याज मैंने लिया था कांदे के पत्ते से, वो प्याज मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। मुझे क्या गोल्डन ब्राउन वगैरह कुछ करना नहीं है प्याज को, थोड़ा कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। ठीक है, अब मैं कर लूंगी गैस को फास्ट। अब तकरीबन प्रोसीजर होने तक गैस अभी फास्ट ही रहेगा। ओके, इसको अच्छे से सौते कर लेंगे हम लोग फॉर गुड 1 मिनट। प्याज अच्छे से 1 मिनट तक सौते हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ मेरे घर पे बना हुआ आधा चम्मच ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके, आप चाहिए तो बाजार वाला भी यूज कर सकते हो। अब मैंने लिया है चिंग्स का ग्रीन चिली सॉस। ओके, आप कोई भी अदर ब्रांड यूज कर सकते हैं, मेरे पास घर में ये अवेलेबल था इसलिए मैंने ये यूज किया। ठीक है, अब मैं 1 चम्मच 2 और ये ऐसे 3 चम्मच मैंने डाल दिया है ग्रीन चिली सॉस। ओके, फटाफट मुझे सब कुछ डालना है। और मैं आधा चम्मच तकरीबन थोड़ा सा ही मैंने सोया सॉस लिया है। ठीक है, गैस को थोड़ा स्लो कर दीजिए क्योंकि सारे चीज़ें उड़ते हैं अपने पे, वो अवॉइड करने के लिए थोड़ा गैस को स्लो कर दीजिए। जब सारे मसाले तड़तड़ना बंद हो जाए तब आप गैस को फिर से बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अभी अप्रॉक्सीमेटली फॉर 30 सेकेंड मैंने सारे मसालों को स्टर कर दिया है। मैं क्विकली डालूंगी कैप्सिकम। ठीक है, फिर मैं डालूंगी गाजर। ओके, और अभी मैं कैबेज और स्प्रिंग अनियन नहीं डालूंगी। अब मैं डालूंगी ये 200 ग्राम चिकन का कीमा। और मैंने ये पाव किलो भी नहीं है, 200 ग्राम है चिकन। ये मैंने क्या किया, इसको छोटे छोटे पीसेस किए, मिक्सर में को घुमा के ले लिया। ये भी मैं डालूंगी इसके अंदर। ठीक है, धो के मैंने अच्छे से वॉश करके फिर ग्राइंड करके लिया है इसको। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में थोड़ा हाथ कम रखिए बिकॉज सॉसेज में भी सॉल्ट होता है। ठीक है, अब इसको कर लीजिए हमने। ध्यान रखिए मैंने गैस को फास्ट ही रखा है। ठीक है, मैंने गैस को स्लो नहीं किया अभी। गैस को स्टर करते जाना है। तो गुड 3 से 4 मिनट तक मुझे इसको ऐसे ही फास्ट गैस पे स्टर करते जाना है। तो दोस्तों देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसको फास्ट गैस पे स्टर कर लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। ओके, और ये पाव चम्मच मैं डालूंगी पेपर पाउडर। दैट्स इट। ओके, अब इसको कर लीजिए मिक्स। नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको और ज़रूरत लग रही है कि नमक डालना चाहिए तो डाल दीजिएगा। ध्यान रखिए कि मैंने गैस फास्ट ही रखा है, मैंने गैस स्लो किया ही नहीं है अभी तक। ओके, अब मैं ऐड कर रही हूँ कैबेज। ओके, कैबेज जल्दी पक जाता है तो मुझे उसको पहले डालना नहीं था। और मैं सारे स्प्रिंग अनियन भी अभी डाल दूंगी। गैस को ऑफ कर लेंगे हम स्लो। अब दोस्तों मैंने जो इंग्रेडिएंट बताया ना आपको, मेरे जो वेज सब्सक्राइबर्स हैं, अब आप चिकन की जगह आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पनीर नहीं है तो आप सोया चंक्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपको सोया चंक्स वाली या पनीर वाली स्प्रिंग रोल की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसे, अपने कमेंट्स द्वारा। ओके दोस्तों, अब मुझे इसको लगाना है लिड। मुझे थोड़ी नमक डालने की ज़रूरत महसूस पड़ रही है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप भी डालिएगा। ओके, अब मैं इसको लिड लगा के थोड़ा 5 से 7 मिनट मस्त पका लूँगी। ओके, और फिर हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल की शीट। ओके, होममेड स्प्रिंग रोल वाली शीट। अब और एक बात, अगर आपके पास अगर आप वेज हैं और आप अंडा नहीं डालना चाहते, जस्ट स्किप अंडा स्किप कर दीजिए। ठीक है, अंडा आप स्किप कर दीजिए। उसकी जगह पे आप थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे ना, 1-2 चम्मच, मस्त अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा आपका स्प्रिंग रोल का शीट। ओके, अब मैं इसको कर रही हूँ कवर। इसको मैं अच्छा स्लो गैस पे इसको कुक करूँगी फॉर गुड 5 to 7 मिनट्स, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों 5 से 7 मिनट मैंने लिड निकाल लिया है अपने बर्तन का, और देखिए हमारा फिलिंग अभी रेडी है। मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ। ओके, और अभी ये फिलिंग को मुझे ठंडा होने देना है, और इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ अपने स्प्रिंग रोल के शीट्स। तो दोस्तों देखिए, मेरे तकरीबन 9 ऐसे पेड़े बना ली हूँ मैंने, छोटे छोटे ये साइज़ के, ये स्प्रिंग रोल के शीट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब मैंने लिया है थोड़ा आटा, वही मैदे का आटा, थोड़ा मैं इसको अपने इस पोल पार्ट पे ऐसे स्प्रेड कर लूँगी। आटे को, पेड़े को आटे में डिप कर कर मुझे इसको रोटी की तरह थोड़ा बेल लेना है। ये जो शीट है, आप इसको चाहिए तो प्रिजर्व करके रख भी सकते हैं। आराम से फ्रिज में ये रह जाएगा, डीप फ्रीजर में। एक जिप लॉक कोई बैग होगी, वो जिप लॉक बैग में ये आराम से रह जाएगा। ठीक है, जिसको थोड़ा पतला बेलना है। ठीक है, तो अब ये बेलकर हो चुका है। अब मैं इसको सेकूंगी। ठीक है, इसी तरह आपको सारे स्प्रिंग रोल के शीट्स बेल लेने हैं और फिर इसको सेक लेना है। तो मैंने दोस्तों तवा कर लिया है गरम। अब इस गरम तवे पर मैं ये शीट को थोड़ा सेक लेने वाली हूँ। ठीक है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़ा ही मैं इसको सेकूंगी। ठीक है, मुझे इसको ज़्यादा सेकना नहीं है। थोड़ा ऐसे बबल आने लगे तो मैं इसको पलट दूंगी। बस इसका थोड़ा मॉइस्चर ऐसे सूख जाए तो मैं इसको निकाल लूंगी ऐसे रोटी के डब्बे के अंदर। ठीक है, ये हमारे शीट, इसी तरह हमें सारे शीट्स प्रिपेयर कर कर रख देने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम बनाने जा रहे हैं हमारा स्प्रिंग रोल। ठीक है, अब ये है वो शीट्स जो मैंने रेडी किए हैं। अभी अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा आटा डस्ट करके, एक के नीचे एक आटा डस्ट करके, इसको हम लोग एक जिप लॉक जो थैली होती है उसके अंदर हम भरकर इसको फ्रीज़र में अच्छे से 4 से 5 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मैं झटपट बना रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये शीट्स को प्रिजर्व करना, ये तरीका जो मैंने बताया आप फॉलो कीजिए। ओके, हमारा जो फिलिंग है वो भी ठंडा हो गया है। ओके, और मैंने लिया है थोड़ा मैदे में थोड़ा पानी मिलाकर, इस स्टिकिंग के हिसाब से, ग्लू के हिसाब से इसको यूज़ करने के लिए। और मैंने लिया है ये रोटी बनाने का चकला, जिसके ऊपर हम स्प्रिंग रोल अभी बनाने वाले हैं। और ये है हमारे कैमरामैन जोहान, जो मुझे अभी हेल्प करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोसीजर के लिए। ठीक है, अब ये शीट मैंने ले लिया है। ओके, अब ये शीट लेने के बाद में जोहान ज़रा अपने हाथों से, चम्मच से ऐसे फिलिंग को डालो। देखो मैं बताती हूँ। ऐसे डालो और थोड़ा सा डालो, यहाँ डालो। हाँ, अब थोड़ा सा और हम डालेंगे, ठीक है। ओके, अब ये फिलिंग हमने भर दिया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ये स्प्रिंग रोल्स के रोल्स कैसे रोल करते हैं। अब इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, फिर ऐसे रैप करना है, ओके, फिर ऐसे फोल्ड कर देना है, ओके। इस तरीके से फोल्ड करने से आपका बैटर जो है, फिलिंग जो है, इसके अंदर से बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है। फिर हम इसको सील कर देंगे ये मैदे से, ओके, और इसको हम रखेंगे इस प्लेट पर, ठीक है। ऐसे ही करके आपको सारे आपके स्प्रिंग रोल्स रेडी करने हैं, ओके। और फिर हम इसे तलने लेंगे। तो दोस्तों, मैं अभी तलने जा रही हूँ हमारे स्प्रिंग रोल। मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। ये भी मेरा, जैसे बाकी सब पैन होते हैं लोखंड के, ये भी मेरा लोखंड का ही ऐसा पैन है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल, ठीक है। ज्यादा एकदम मुझे इसको एकदम ही डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा शैलो फ्राई करना है। अप्रॉक्सीमेटली 100 ml मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए, मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी कर दिए, जितना मैंने शीट बनाया था सब कुछ। और इसका बैटर, कमाल की बात है, जितना मैंने जो फिलिंग बनाया था वो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बनाया था। 200 ग्राम चिकन से आप देखिए 9 से 10 स्प्रिंग रोल घर के घर में बना सकते हैं दोस्तों। तो है ना मजेदार रेसिपी, है ना सोहन? हाँ। सो अभी हम लोग ये तेल को गरम कर रहे हैं अच्छे से, फिर हम लोग इसमें ही हमारे स्प्रिंग रोल्स तलने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही तेल अच्छे से थोड़ा गरम हो जाए तो इसके अंदर मैं ऐसे अपने स्प्रिंग रोल्स डाल दूंगी, ठीक है। फिलहाल मैं 2 ही डाल रही हूँ, आप ज्यादा घाई मत कीजिए, 2-2 के हिसाब से ही आप डालिए और आराम से इसको थोड़ा मीडियम गैस करके तलिएगा, फास्ट गैस पे तलिएगा मत। तो दोस्तों देखिए कितने ब्यूटीफुली हमारे स्प्रिंग रोल्स तल के हो गए हैं। इसको हम आराम से एक प्लेट में निकालेंगे और ऐसे ही बाकी के स्प्रिंग रोल्स भी हम तल के ले लेंगे। इसकी फाइनल प्लेटिंग करके मैं आपसे मिलती हूँ, ओके। तो देखिए दोस्तों, रेडी है हमारे स्प्रिंग रोल, होममेड लग रहे हैं ना, एकदम फैंटास्टिक। और मैंने ये फॉक भी लिया है आपको क्रंचीनेस का साउंड सुनाने के लिए। देखिए, सुपर क्रंची, सुपर टेस्टी और मेरे दिए गए झटपट इजी रेसिपी से आप ये फैंटास्टिक स्प्रिंग रोल घर पर बना सकते हैं सिर्फ 200 ग्राम चिकन के साथ। सो ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत ही कर लीजिएगा ऐसे टेस्टी यमी रेसिपीज़ को सीखने के लिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, लाइक और शेयर करना भी भूलिएगा मत। और मेरे अप टू डेट डिटेल्स वीडियो के मिलने के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा जो राइट हैंड साइड में है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।